हमारा विज्ञापन जारी करो, विज्ञप्ति जारी करो, आवाज दो, हम एक हैं। बोलो धनवंतरी भगवान की जय। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। हमारी जो वित्तीय स्वीकृति है आयुर्वेद नर्सिंग की वित्तीय स्वीकृति को मिले हुए 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हुआ। मतलब चिकित्सक की और नर्स कंपाउंडर की साथ में विज्ञप्ति जारी, वो मतलब अनाउंसमेंट साथ में हुआ था वैकेंसी का, लेकिन अभी तक उनकी तो विज्ञप्ति जारी हो गई, लेकिन हमारी अभी तक भी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। तो अभी हम चाहते हैं कि भाई अब जल्दी से जल्दी जो भी हमारी विज्ञप्ति है वो जल्दी से जल्दी जारी हो। अगर ये विज्ञप्ति जारी नहीं होती है तो हम यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठेंगे, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मीनाक्षी राजावत जी, हमारे आयुर्वेद विभाग से यही मांग है कि वो जल्द से जल्द हमारी विज्ञप्ति जारी कर दे। 5 महीने हो गए हैं वित्त स्वीकृति मिले हुए, अभी तक कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की है। जहाँ तक हमारी विज्ञप्ति जारी नहीं करेंगे तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। आज कितने दिन हो गए? आज हमें 5 दिन हो गए। कोई अधिकारियों से आपकी बात हुई? बात हुई सीमा मैम से बात हुई है। क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है? उनकी वजह यही है कि राजनीति कारण समझो या सीसी क्रेज वाले की वजह से। पहले 2018 में हुई थी। अब क्या चाहते हैं, अगर जल्द नहीं होगी तो आगे क्या करेंगे? हम अनशन पर बैठे रहेंगे। ठीक, आपका नाम? चंचल लक्षकार, आयुर्वेद नर्सेज बेरोजगार। धरने का 5वां दिन चल रहा है, हमारी एक ही सूत्रीय मांग है, आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर भर्ती 550 की विज्ञप्ति जल्दी से जल्दी जारी करवाने के लिए हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। पहले भी कभी निकली थी? पहले 2018 में भर्ती निकली हुई है जो पूरी हो चुकी है, और अभी तक कोविड काल में जब चिकित्सा मंत्री ने कोरोना से बचाने के लिए सरकार ने 550 की घोषणा की थी, जिसकी वित्तीय स्वीकृति मिले हुए भी 4 माह से भी ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी हमारी भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। हमारे साथ साथ डॉक्टरों का भी वित्तीय स्वीकृति मिली है, उनके फॉरम भी लॉक हो चुके हैं, सब कुछ कंप्लीट, उनकी प्रोसेसिंग बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, लेकिन हमारी भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। क्या वजह? ये वजह है, एक ही वजह है कि ये जो CCRS फार्मासिटी जो भी लगे हुए हैं उनको सरकार अनैतिक तरीके से इनको बोनस अंक देने के लिए फाइल को रोक के बैठे हुए हैं, और जो पात्र आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर के पात्र नहीं माने गए हैं। आज भी किसी को ज्ञापन दिया? आज निर्देशक महोदय सीमा शर्मा जी से हम मुलाकात करेंगे और हमको भर्ती विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए हम मैडम से निवेदन करेंगे। जल्द नहीं करते तो आगे करेगा? जी हाँ जी, जल्द नहीं करते तो आगे क्या? हाँ, अगर हमारी भर्ती विज्ञप्ति इसी सप्ताह में जारी नहीं की जाती है तो हम आमरण अनशन पर बैठने के लिए बेरोजगार मजबूर होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन और विभाग की होगी। मनवर लाल वैष्णव, अखिल भारतीय बेरोजगार आयुष नर्सेज महासंघ प्रदेश अध्यक्ष।